Jolly sir, jolly boy. Protests against the Citizenship Amendment Act 2019 took center stage in Assam. A political, communal sensitive issue. There had been protests earlier, remember? After Home Minister's latest announcement, people are out on the streets again. Protests against the CAA continue in Assam. Students' bodies like the All Assam Students Union came out on the street in different parts of the state to protest against the CAA law की शायद ही पूरी कहानी आपको पता हो, लेकिन इसके प्रोटेस्ट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। और ये सिर्फ इसी साल नहीं, 2019 में भी सुना होगा जब CAA law को पास किया गया था। और इन प्रोटेस्ट की वजह से करीब 100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम शामिल थे और ना जाने कितने लोगों को चोट लगी है। इवन दिल्ली के शहीन बाग में जो प्रोटेस्ट किए गए थे वो भी इस रूल के अगेंस्ट में ही किए गए थे। शहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो 15 दिसंबर 2019 से लेकर 24 मार्च 2020 तक चले थे, जो कि कोविड की वजह से रोक दिए गए थे, वरना हो सकता था कि और भी ज्यादा चलते। और इन प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा मुस्लिम औरतें शामिल थी और ये इतने बड़े स्केल पर किया जा रहा था कि इसमें कई कई दिन तो लाख से 1.5 लाख लोग आते थे और हर दिन करीब 1 लाख से भी ज्यादा व्हीकल्स की मूवमेंट अफेक्ट होती थी। और अब 4 साल बाद इस लॉ के रूल्स के नोटिफाई होते ही ये प्रोटेस्ट फिर से वापस आ गए हैं। पर क्यों, क्या सच में ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है? क्या मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के साथ गलत कर रही है, या फिर ये एक लॉजिकल लॉ है? चलो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं लाती रहूंगी। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, CAA से पहले अगर किसी भी फॉरेन नेशनल को इंडिया की सिटीजनशिप लेनी होती थी तो उसे कम से कम इंडिया में 11 साल रहना होता था। 2016 में इंट्रोड्यूस्ड हुए और 2019 में पास हुए CAA लॉ के हिसाब से जो हिंदूज, पारसीज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन यानी कि अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से दिसंबर 31, 2014 से पहले इंडिया आए हैं, उनकी जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है उसको जल्दी से प्रोसेस किया जाएगा और अब वो सिर्फ 5 साल में ही इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर ये रिलीजन्स के फॉलोअर्स इंडिया में बिना किसी वैलिड वीजा या फिर इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क के रह रहे हैं तब भी उन्हें इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब माइग्रेंट्स को सहारा देना तो अच्छी बात है, तो आखिर ये लॉ इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है? सी, ये इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और सबसे पहला सवाल है कि रिलीजन के बेसिस पर सिटीजनशिप कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आज से पहले ऐसे रिलीजन को सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी नहीं बनाया गया है। अगर CAA के रूल्स के अंदर रिलीजन्स की लिस्ट देखो तो वहां पर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज है, लेकिन मुस्लिम्स मिसिंग है। पर क्यों? अब इस लॉ के सपोर्टर्स का कहना है कि ये जो लॉ है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जो माइनॉरिटीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है, क्योंकि मुसलमान के लिए तो पहले से मुस्लिम देश है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या क्रिश्चियंस के लिए कंट्रीज नहीं है? क्या बुद्धिस्ट के लिए कंट्रीज नहीं है? इवन इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज बुद्धिस्ट है, जैसे कि भूटान, म्यांमार, चाइना और श्रीलंका में तो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं। फिर सिर्फ मुस्लिम्स को ही इस रूल से क्यों बाहर निकाला गया? अब ऐसा हुआ है तो इंडिया के 20 करोड़ मुस्लिम्स को ये लग रहा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और साथ में इंडिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स के मुस्लिम्स हैं उनको ये लग रहा है कि अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो उनसे उनकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट का यहाँ पर ये कहना है कि ये रूल सिटीजनशिप देने के लिए है, ना कि लेने के लिए। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू हो जाने के बाद से इससे डायरेक्टली 30,000 से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ एंटी CAA लोगों का मानना है कि इस तरह से अगर हम रिलीजन के बेसिस पर सिटीजनशिप देने वाले हैं तो ये रिलीजन के बेसिस पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इवन बहुत सारे पब्लिकेशंस ने तो इस एक्ट को सीधा सीधा एंटी मुस्लिम एक्ट बोल दिया है। इवन UN ने भी CAA को फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी नेचर बोल दिया है। लेकिन इस सिक्के का भी एक और पहलू है, क्योंकि इस बार CAA के रूल्स में नोटिफाई करने से पहले गवर्नमेंट ने कुछ मुस्लिम लीडर्स के साथ डिस्कशन की सो दैट किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई भी अननेसेसरी प्रोटेस्ट ना हो। और इसी डिस्कशन के चलते काफी सारे मुस्लिम लीडर्स आगे आए हैं, उनका मानना है कि CAA एंटी मुस्लिम नहीं है और ये कोई भी मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इवन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन रवि ने तो इस एक्ट का वेलकम किया है। उनका कहना है कि मुस्लिम्स में इस लॉ के खिलाफ बहुत सारी गलत फहमी है जिससे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
से जो नॉन मुस्लिम लोग आते थे उनको रिलीजन के बेसिस पर मिसट्रीट किया जाता था और उनको सिटीजनशिप देने का कोई कानून ही नहीं था, इसलिए ये लॉ बनाया गया है और इससे इंडियन मुस्लिम्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इसीलिए हर इंडियन मुस्लिम को इस एक्ट का वेलकम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स का ऐसा मानना नहीं है, उनका ये कहना है कि 2014 के बाद से मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, मुस्लिम्स के इवन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज उनके घर पर अटैक किए जा रहे हैं, देश में और देश में एंटी मुस्लिम स्पीच बढ़ रही है। अब आपको कौन सी आर्ग्यूमेंट सही लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन अब रिलीजन को सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी रखने का जो व्यू पॉइंट है गवर्नमेंट का उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने इन रिलीजन को इसलिए चुना है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये माइनॉरिटीज है और गवर्नमेंट उनकी हेल्प करना चाहती है जिनको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सीए लॉ के हिसाब से 31 दिसंबर से पहले आए हुए फॉरेन नेशनल्स को सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल रखा गया है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि इस डेट को कैसे डिसाइड किया गया, कैसे 31 दिसंबर 2014 को कट ऑफ डेट रखा गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, नो वन नोज। इवन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्यों सिर्फ 3 कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ही इस एक्ट का हिस्सा रखा गया, व्हाई नॉट श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स को सीए के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इवन नेपाल भूटान के इमिग्रेंट्स को भी इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो सीए की रूट्स है वो आरएसएस बीजेपी का जो अखंड भारत कॉन्सेप्ट है उससे आती है और उनका मानना है कि ये उनकी ड्यूटी है अखंड भारत के सिटीजन को प्रोटेक्ट करना। ऐसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से सीए के अगेंस्ट इंडियन कोर्ट में करीब 200 से ज्यादा पेटिशंस पेंडिंग है। इनमें पॉलिटिशियंस जैसे असुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चन्नीथाला और महुआ मोइत्रा के पेटिशंस शामिल है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, असम गणा परिषद, नेशनल पीपल्स पार्टी आसाम, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन आसाम और द्राविदा मुनेत्रा खजागम डीएमके भी है। अक्टूबर 2022 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट और हीमा कोहली ने एक ऑर्डर पास किया था कि फाइनल हियरिंग्स दिसंबर 2022 में शुरू होगी सीजेआई ललित के रिटायरमेंट के बाद, लेकिन तब से आज 2 साल बाद भी इस केस की सुनवाई नहीं की गई है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार अभी यह केस जस्टिस पंकज मित्तल के सामने है। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट में सीए के अगेंस्ट काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए जिसको देखते हुए जो सीए के नए रूल्स को रिवाइज किया गया है उसमें कुछ एरियाज को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इन इफेक्ट ये बिल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम को एक्सक्लूड करता है, मेघालय के लगभग पूरे एरिया को और आसाम और त्रिपुरा के कुछ पार्ट्स को, लेकिन मणिपुर को अपने अंडर में रखता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मणिपुर में कुछ रेमेडियल मेजर्स को लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आसाम में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब कैसे ये दंगे रुकेंगे, बीजेपी क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी जिससे इलेक्शन से पहले उनकी इमेज खराब ना हो जाए, आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक और वीडियो के साथ।